बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे कि निकाह ईमान का हिस्सा है, यानी ईमान जो है वो आधा निकाह पर मबनी है, निकाह आधा ईमान है। हजरत अंस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब निकाह कर लेता है तो उसका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है, अब बाकी आधे दीन के लिए अल्लाह से डरो। निकाह को आधा ईमान और नफ्स दीन बताकर ये बताया जाता है कि जब तक इंसान इस कानूनी बंदिश में अपने आप को मुकीद ना करे, कुव्वत शैवानी के जोश जवानी और उसकी आज़ादी के ज़माने में दीवाना बनकर खुदा जाने क्या कुछ कर बैठे और इस दौलत बेबहा को किस तरह बर्बाद कर डाले, जब बीवी के पास होगी तो उसके ख्याल आते होंगे तो उसकी रोकथाम का सामान मुहैया कर देगी। इसीलिए फरमाया गया है कि हजरत इब्ने मसूद से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, जब किसी आदमी को औरत भाई यानी किसी अजनबी औरत को देखकर ख्याल आए तो उसके दिल में तो उसे चाहिए कि फौरन अपनी बीवी के पास जाए, क्योंकि उसके पास ही वही सामान तस्कीन मौजूद है जो उस अजनबी औरत के पास है। इसका अक्स औरतों के लिए समझा लिया जाए कि उनके दिल में जब कभी कोई ख्याल पैदा हो तो फौरन मर्द के पास जाए, मान उसी के सामान मौजूद है। अगर इसी खजाने को जो मर्द और औरत के पास है, मर्द ने अपनी अजनबी और गैर औरत को जमीन में डाला या औरत ने अजनबी और गैर मर्द के चश्मे से शराबी हासिल की, तो इधर वो ना दाना दूसरे के मुल्क में पहुँच कर तुम्हारे हाथों से गया, दूसरे उसे संभाले या ना संभाले, तुमसे क्या गुजरा हुआ उधर औरत से यही गलती, तो आइंदा सख्त परेशानियों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। यह इसकी जबरदस्त दौलत को बर्बाद कर डाले और कत्ल का गुनाह अपने सर ले। बहरहाल सूरत दोनों शक्लों में नुकसान ही नुकसान नजर बरा, दुनिया और आखरत दोनों हैसियत से तो भलाई और आखिरत इसी में है कि बीज अपनी ही ज़मीन में बोया जाए और ज़मीन की आबियारी अपनी ज़ाती कुएं से की जाए। मुमकिन है कि इस मुबारक रस्म को पूरा करने के सख्त पाबंदियाँ लगाई हों या तुम्हारी बिरादरी की रस्म और रिवाज ने तुम्हें मुश्किलों में फंसा दिया हो। मसलन सैलोन के सैलोनी गैर मुस्लिम और मुस्लिम दोनों की नौजवान लड़कियाँ सब्र किए हुए अपने इन ज़ालिम बुजुर्गों की बददुआ देती होंगी जिन्हें उन्हें कैद लगा रखी है। जब तक लड़की अपने साथ हज़ारों लाखों के जहेज ना ले जाए, कोई उसे मुंह ना लगाए, या हिंदुस्तान हो या यहाँ हमारा पाकिस्तान के बाद घरानों में ये पाबंदी है कि जब तक माहर की रकम जहेज का पेश कीमत सामान बिरादरी के खाने और फजूल ढोल बाजे की खर्च रुपया ना हो जाए, उस वक्त तक निकाह की रस्म पूरी ना होने पाए।